आ जाइए दोस्तों, वेलकम टेक्नोनोवेज में आपका स्वागत है। संडे है, आराम करिए, थोड़ा ख्याल रखिए अपना, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करिए, सेफ रहिए। पता नहीं न जाने दूसरी बीमारी भी आ रही है, ब्लैक फंगस वगैरह क्या क्या बोल रहे हैं, ये सुन के बड़ी घबराहट हो रही है। तो बस ये सब कुछ जल्दी खत्म हो जाए दोस्तों, और यही मैं दुआ करता हूँ। बहुत सारे सवाल आपके उठाया हूँ, ज़्यादातर हम ट्विटर से उठाते हैं, तो वहाँ पर जाके आप सवाल पूछिएगा, #askus लगाइए, अगर मुझे लगता है हम उठाएंगे। अगर आपका नाम नहीं आया, हमेशा की तरह मैं दिल से माफ़ी चाहता हूँ, बुरा मत लगाइएगा। और संडे संडे इसको भी लाइक करिए दोस्तों, प्लीज़ 25-30 हज़ार लाइक्स दे दीजिए दिल खोल के, बड़ा अच्छा लगता है। पहला सवाल आ रहा है कुमार श्रीजान जी से, वो बोलते हैं कि मी यू 12.5 ग्लोबल एंड इंडियन वर्जन आर डिफरेंट और सेम? कम्प्लीटली डिफरेंट। मैंने अपने Redmi Note 10s की जब अनबॉक्सिंग किया था, काफ़ी डिसअपॉइंट था, मैंने आपको बताया था उसके अंदर कि चाइना का जो MIUI 12.5 है, इतने सारे फीचर्स उसमें, उन्होंने बहुत सारी चीज़ें इंडिया के लिए एलिमिनेट कर दिया। काई को करा समझ नहीं आ रहा, मतलब यहाँ पर लोग क्या पागल बैठे हैं, क्यों करते हैं ऐसा? ऐसा कोई फीचर दो जो हमें सॉफ्टवेयर के मामले में भी लगे कि हाँ भाई क्या काम किया Xiaomi ने। ये सॉफ्टवेयर ही सबसे बड़ा इशू है Xiaomi का, बाकी मुझे नहीं लगता कि उनके फ़ोन में कोई ज़्यादा प्रॉब्लम है। जीशान बोलते हैं कि ऑलवेज ऑन डिस्प्ले सिर्फ एमोलेड या सुपर एमोलेड पर ही क्यों काम करता है, बाकी के डिस्प्ले पर क्यों नहीं करता है? फॉर एग्जांपल आईपीएस एलसीडी। देखिए आईपीएस एलसीडी वगैरह जो होते हैं, इनको एक कंप्लीट बैकलिट की ज़रूरत होती है। डिस्प्ले में एक ऐसी जगह होती है जहाँ से रोशनी आती है, उससे आपके डिस्प्ले में लाइट आती है। जो एमोलेड डिस्प्ले वगैरह होते हैं, इनमें बैकलिट की ज़रूरत नहीं होती। इनमें जितने भी जो पिक्सल्स होते हैं डिस्प्ले के ऊपर, वो इंडिविजुअल बैकलिट होते हैं, वो किसी पर डिपेंड नहीं करते। तो वो अपनी क्षमता है उसकी ऐसी है कि जब चाहे वो चालू हो सकते हैं, जब चाहे वो बंद हो सकते हैं। इसलिए जो ऑलवेज ऑन डिस्प्ले होता है, वो जब आपका फ़ोन लॉक स्क्रीन में चला जाता है, तो वो आपको कुछ हिस्सों में दिखाई देगा, कुछ हिस्सों में ब्लैक होता है, कुछ हिस्सों में दिखाई देता है। तो जो ब्लैक होता है वो मतलब कम्प्लीटली ब्लैक हो जाता है, लेकिन कुछ हिस्सों में जब दिखाई दे रहा है, इसका मतलब वो इंडिविजुअल जो बैकलिट्स जो पिक्सल्स है वो आपको शो करता है। इसलिए इनको सेपरेट बैकलिट की ज़रूरत नहीं होती, ये खुद से कर लेते हैं। और आईपीएस एलसीडी में इसलिए नहीं होता क्योंकि सेपरेट बैकलिट की ज़रूरत होती है, क्योंकि फिर वहाँ पर अगर बैकलिट चालू हो गया तो पूरा डिस्प्ले आपका वो चालू हो जाएगा ना, पार्ट ऑफ डिस्प्ले चालू नहीं होगा। इसलिए ऑलवेज ऑन डिस्प्ले कैसे काम करेगा? कुछ लोग सॉफ्टवेयर से कर लेते हैं, लेकिन हाँ मैं आपको सोच रहा हूँ एक वीडियो बना के बताओ इस पर, आईपीएस वर्सेस एमोलेड, कमेंट में ना जरूर से बताना। मनीष बोलते हैं कि भाई हमारी टेक न्यूज़ देखते हैं, बहुत खुश है वो। उन्होंने पूछा है कि भाई कन्फर्म डेट बताइए, मोटो G100, आईक्यू 7 लाइट, पोको GT, F3 GT वगैरह की बात करते हैं। देखिए आप वेट करिए, लाइन लगने वाली स्नैपड्रैगन 870 चिपसेट वाले फ़ोन की इंडिया में, और बहुत ही अच्छी रेंज में आपको मिलेंगे, मतलब अराउंड 25,000 की रेंज के आपको मिल जाएंगे। तो जो लोग बहुत जल्दी में है, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ थोड़े दिन देखिए, बड़ा धमाल होने वाला है। मनु कुमार ठाकुर पूछते हैं कि एंड्रॉइड 12 आउट ऑफ द बॉक्स सबसे पहले कौन से स्मार्टफोन में होगा? अभी तो फिलहाल के लिए पता नहीं है, लेकिन आई थिंक पिक्सल डिवाइसेस जो है वो सबसे पहले चल रहे हैं ऑफिशियली। बाकी तो भाई सबका अपना अपना बीटा विन और क्या क्या चल रहा है। वैसे पिक्सल में भी बीटा बनी है, लेकिन ऑफिशियली स्टेबल अपडेट अभी उसके बारे में मुझे कोई श्योरिटी नहीं है कि कौन सबसे पहले लेके आएगा। और बैटल ग्राउंड्स मोबाइल इंडिया का मैप में इंडिया इंडियन सिटी का नाम होगा कि नहीं? मेरे ख्याल से अच्छा आइडिया है, जब गेम लोकल हो गया है तो उनको इंडियन सिटी के मैप्स लगाना चाहिए, नाम डालना चाहिए, क्या बोलते हो? जैसे कि मुंबई है, मुंबई में इधर खाऊ गली भी है, खाऊ गली मैप, वहाँ जाके देख रहे हो तो सारे प्लेयर्स खाना खा रहे खड़े रह गए फनी ना। वैसे आप मुझे बताइए दोस्तों, आप ऐसा क्या चाहते हैं कि ऐसा होना चाहिए, और आप कौन सी सिटी से बिलोंग करते हैं, और वहाँ पर कोई ऐसी जगह है, अतरंगी नाम बताइए, और बताइए कि क्या हो सकता है अगर वो मैप इंडिया में, बैटल ग्राउंड्स मोबाइल इंडिया में आता, तो वहाँ कुछ भी फनी बताइए कमेंट में, मज़ा आएगा। प्रिंस बोलते हैं कि भाई यूट्यूब को एज अ करियर ले सकते हैं क्या? आपके घर में डेथ हो गई फिर भी वीडियो बना रहे हैं, मैं आपसे बहुत मोटिवेट हूँ। काम तो करना ही है, ज़िंदगी चल रही है, और आप लोगों से जो वादा किया है उसको पूरा करना है तो हम करेंगे। और YouTube ऐसे करियर क्यों नहीं ले सकते? हमने लिया तो आप भी ले सकते हैं, आइए, अगर आपके पास हुनर है, नॉलेज है, तो वाई नॉट। जैद बोलते हैं कि डू यू यूज़ एनी UPI ऐप फॉर मनी ट्रांसफ़र? येस आई यूज़ गूगल पे, और कुछ यूज़ नहीं करता हूँ मैं। और उसके अलावा वाई नॉट एंड इज़ देर एनी इशू ऑफ प्राइवेसी? प्राइवेसी का तो भाई मेरा गूगल पे में फिलहाल के लिए ठीक चल रहा है, मैं बाकी किसी को UPI को मैंने ऐप को टेस्ट नहीं किया, लेकिन मुझे तो अभी फिलहाल के कोई इशू नहीं हुआ। साजी बोल रहे हैं कि भाई 5G नेटवर्क रेडिएशन से क्या इंसानों को खतरा है? भाई इसके ऊपर मुझे एक्चुअली में ऑनेस्टली कुछ ज़्यादा डिटेल में नहीं पता है, बहुत मिक्स्ड रिएक्शन से कुछ बोल रहे होता भी, कुछ बोलते नहीं भी होता। इनफैक्ट इंडिया में तो ऐसा अफवाह फैल गया था कि भाई COVID-19 जो है उसका सबसे बड़ा कारण ये 5G है, 5G रेडिएशन है, जो टावर लगे ना सब जगह, तो वो सब झूठ है भाई, इसके बारे में अभी मैं ज़्यादा कुछ नहीं पता मुझे। मोहित मारू बोलते हैं कि भाई इंडियन गवर्नमेंट हैज गिवन वार्निंग टू व्हाट्सएप, बट इफ दे डोंट कंप्लाई एंड डेज गेट एक्सटेंडेड, दोज अकाउंट हु डिडंट एक्सेप्ट द पॉलिसी इफ डिलीटेड विल वी गेट अ वार्निंग दैट
ये क्या कर रहा है व्हाट्सअप, मेरे को खुद पता नहीं है, मैं परेशान हूँ इससे, सच बोल रहा हूँ। अभी 25 तारीख रुक जाइए थोड़ा, 25 तारीख के बाद पता चलेगा कि क्या होता है। अभी मैं खुद आपको अपडेट करूँगा, आप टेंशन मत लो, मेरे टेक न्यूज़ देखते रहना, आपको अपडेट करता रहूँगा। यश बोलते हैं कि आपके घर में सब खैरियत, साइक्लोन जो आया था, बहुत बहुत शुक्रिया आपने पूछा, सब कुछ बढ़िया है। इज दिस क्या पूछा उन्होंने, कैन वी अपग्रेड एन i3 लैपटॉप टू i5? नहीं यार, आप कंप्यूटर को कर सकते हैं, लैपटॉप में आई थिंक CPU चेंज नहीं होता है और ना ही GPU होता है। हार्ड ड्राइव चेंज कर सकते हैं आप, CPU अलग चीज़ होती है, तो स्टोरेज रैम वगैरह ये सब अपग्रेड कर लो लैपटॉप में, लेकिन CPU GPU आई थिंक मुश्किल है। शराब खान बोलते हैं, इज इट फेयर टू डिपेंड ऑन बेंचमार्क स्कोर्स एंड टेस्ट ऑफ फोन्स लाइक हीटिंग टेस्ट, बैटरी टेस्ट? और मैं बिलीव करता हूँ रियल टाइम यूसेज, ये बेंचमार्क्स तो हम ऐसे ही ओवरव्यू देते हैं आपको कि हाँ भाई इसमें इतना स्कोर है, उतना स्कोर है, ऑन पेपर्स थोड़ा एक अंदाजा हो जाता है, लेकिन रियल टाइम हम जब टेस्ट करते हैं फिर कुछ अलग ही रिजल्ट्स आते हैं, तो उसके बारे में आपको बताता हूँ, मैं रियल टाइम में बिलीव करता हूँ। अथर्वत बोलते हैं कि आप जैसे हर साल एक मेगा कोलैब करते हो, वैसे इस साल आप एक मेगा कोलैब चैरिटी स्ट्रीम करो, इससे बहुत जनों की हेल्प होगी। देखिए मैं बिलीव करता हूँ, आपने बहुत अच्छी बात बोली, चैरिटी स्ट्रीम वगैरह बहुत सारे लोग करते हैं, लेकिन यार फिर इसमें ना बहुत फिर बवाल होता है, लोग बोलते हैं हाँ तू पैसा दिया कि नहीं दिया, कितना पैसा खाया, हाँ ऐसा करके, तो मैं भाई इसे मैं पढ़ता ही नहीं हूँ। देना है तो आप ऐसा दो कि भाई सीधे हाथ से दे रहे हो, उल्टा आपको नहीं पता चल रहा है कि आपने क्या किया, तो मैं वो करता हूँ। कभी कभी हम वीडियो बना देते हैं क्योंकि हाँ मोटिवेट करने के लिए आप लोगों को, ताकि आप भी ये करिए, क्योंकि हमारे पास सोशल प्रेजेंस है इसलिए हम करते हैं, लेकिन ज़्यादातर आप ऐसे ही करिए कि ज़्यादा किसी को पता ना चले, नेकी का काम होता है वो। बाकी मेगा कोलैब जो है वो हम कर रहे हैं, बस उसके लिए स्टे ट्यून करना, मैं ज़्यादा उसके बारे में कुछ बोलूंगा नहीं। सुदीप जी बोलते हैं कि आपका इंटर म्यूजिक का फैन हूँ, हाउ डिड यू गेट इट लाइसेंस फॉर एपिडेमिक साउंड? मैंने डिस्क्रिप्शन में उसकी वेबसाइट की लिंक भी दिया हूँ, पैसा देना पड़ता है कुछ महीने महीने मे बी, मेरा तो फुल स्क्रीन चलता है तो मुझे वहीं से आ जाता है, तो हाँ आप वहाँ से जाकर चेकआउट कर सकते हैं। हाशिम बर्मन जी बोलते हैं कि वीवो में ओरिजिन ओएस कब तक आएगा? यार आना चाहिए, सीरियसली ओरिजिन ओएस थोड़ा अलग है और उसमें एक्चुअली में एंड्रॉयड 12 जैसा फील आता है। जी हाँ, चाइना में है, इंडिया में अगर लेके आ जाए तो बढ़िया, हालांकि फंटा चोवेस भी अच्छा है, नॉट बैड, लेकिन आपने सही आइडिया दिया, मुझे पता नहीं कब आएगा, लेकिन बात करता हूँ ब्रांड से, पूछता हूँ, अगर कुछ पता चलेगा तो आपको बताऊंगा। श्रीवास्त सा, काफ़ी डिफिकल्ट नाम है, छोटा है लेकिन डिफिकल्ट लगता है, श्रीवत्सा। हेलो, व्हाट इज अ गुड एंट्री लेवल लैपटॉप यू रिकमेंड फॉर माय चाइल्ड गोइंग टू स्टार्ट फर्स्ट स्टैंडर्ड? ऐसे तो 20,000 की रेंज में काफ़ी सारे लैपटॉप्स मिलेंगे, 25,000, मैं बोलता हूँ ये वाला ट्राई करिए, कब से चल रहा है मेरे पास पड़ा है, सच बोल रहा हूँ, हल्का फुल्का भी है, बच्चे के लिए अच्छा भी, दिखने में भी खूबसूरत है, और 20,000 के नीचे मैंने इसको लिया था, मैंने इस पर एक वीडियो बनाया, अविता क्या नाम है इसका, एसेंशियल में भी शायद, हाँ तो आप ये ट्राई करिए, अविता वाले अच्छे आपको मिल जाएंगे। प्रांजल पंचल बोलते हैं कि लॉकडाउन ने आपकी लाइफ का क्या क्या अच्छा और बुरा इम्पैक्ट डाला? देखिए अच्छा तो ये था कि भाई हम यूट्यूबर हैं, हम घर से ऑनलाइन बैठ के काम करते, तो हमें ट्रैवल नहीं करना पड़ा और हमारे जॉब पे कोई खतरा नहीं हुआ था, लेकिन बुरा तो बहुत कुछ हुआ है, मैं अपने लिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं दूसरों के लिए बोल रहा हूँ, और वो मुझे गिनाना नहीं है, बस वो चीज़ एक बुरे सपने की तरह मुझे इसको भूल जाना है। अभिषेक चौधरी जी बोलते हैं कि आप कौन से ब्राउज़र यूज़ करते हो? मैं सिर्फ दो ब्राउज़र यूज़ करता हूँ एकदम ज़्यादा, पहला तो सबसे पहला गूगल क्रोम और दूसरा है माइक्रोसॉफ्ट एज, यही दोनों मुझे जमते हैं। मेलविन जी बोलते हैं कि विल पबजी न्यू स्टेट कम टू इंडिया? ये अभी मुझे कुछ पता नहीं है, और इस नाम के साथ तो ऑब्वियसली नहीं आएगा, पबजी वाले मतलब जो क्राफ्टन वाले वो तो पूरा अभी बैटल ग्राउंड्स मोबाइल इंडिया है जब पबजी को कर दिया, तो इसको भी पता नहीं, बैटल ग्राउंड्स मोबाइल इंडिया 2 करके आ सकता है या बैटल ग्राउंड्स न्यू स्टेट करके आ सकता है, आई एम नॉट श्योर, लेकिन ऐसा कुछ हो सकता है, तो हाँ आएगा लेकिन थोड़ा वक्त लगेगा। नंदन सिंघा जी बोलते हैं कि हाउ मेनी कार्स डज यू हैव? मेरे पास गाड़ियाँ नहीं है, मेरे पास सिर्फ एक्टिवा है, बाइक भी नहीं है, एक्टिवा स्कूटी है ना, हाँ वो है, और एक्टिवा लेने की प्लान कर रहा हूँ बस, बाकी तो भी गाड़ी लेने का कोई प्लान नहीं है, मे भी 4-5 साल बाद शायद मैं ट्राई कर सकता हूँ। ड्रॉन्जर बोलते हैं कि पिक तो करते नहीं, पूछ के क्या फ़ायदा? काश आज आप पूछ लेते, मैं पिक कर लेता, मैं सब पढ़ता हूँ, ऐसा नहीं कि मैं नहीं पढ़ता, मैं सारे क्वेश्चन पढ़ता हूँ, लेकिन जो ठीक लगता है वो उठा लेता हूँ, बैड लक। तो ये थे दोस्तों आपके सवाल मेरे जवाब, उम्मीद करता है आपको वीडियो पसंद आएगी, पसंद आई लाइक करिए, ऐसे ही हर संडे आएंगे, आपके सवालों को जवाब देंगे, बड़ा अच्छा लगता है। तब तक के लिए ऑलवेज कीप स्माइलिंग।